अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर, वो गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवानी। दिल की गुमशुदगी की तो लिखा नहीं सकते, वो तो किसी लड़की को दे दिया होगा। अब तुम्हारी कौन सी शय खड़ी ची आए जिसकी रपट दर्ज करवाने आए हो? सर वो मेरी वालदा कल रात से घर नहीं आई है, उनका फोन भी ऑफ है। सदकी जाऊं, वालदा माजदा कल से घर नहीं आई और तुम अब इस वक्त आधा दिन गुजार के रपट दर्ज करवाने आए हो। बैठो, आ जाते हैं मुंह उठा के, काम बढ़ाई जाते हैं हमारा। ये बता कि तेरी जो माजदा वालदा है वो तुम्हारी सतेली वालदा है या तुम उसकी मतरई औलाद हो? सर आप जहरा बेगम को तो जानते ही होंगे, मशहूर सियासी और समाजी कारकुन, वो मेरी वालदा है। जोरा बेगम है? मशहूर सियासी समाजी शख्सियत। सद के जाऊं, अब तो रपट दर्ज करनी ही पड़ेगी। ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी जी कल रात को किस वक्त घर से गई थी, कहाँ गई थी और क्यों गई थी? सर वो कुछ काम से शहर से बाहर गई थी, उन्होंने सुबह तक वापस आ जाना था लेकिन अभी तक नहीं पहुंची। मैं बार बार उनका सेल फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। टेलीफोन भी बंद जा रहा है। तुझको अगर किसी पर शक है तो उसका नाम बिना शक लिखवा दे, मैं उसको घसीटता हुआ यहाँ ठाणे ले आऊंगा। समझदार, ये वलाद में कौन है? सर जी ये अपना कामी शाह की कार्रवाई है, ये मुश्तंडे बाइज्जत लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं। और ये बाखुरदार कौन है? सर जी इनकी माजिदा नामी वालदा जो हैं जी, वो कल रात से घर नहीं आई और उनका वो जो है वो किस ब्रांड का है तुम्हारा? सेल फोन ब्रांड का टेलीफोन जो है जी वो बंद जा रहा है। बड़ी नामूर सियासी समाजी शख्सियत है इसकी माँ। चल जी, नामूर नहीं, नामवर सियासी शख्सियत। आए चल चुप करा। करमदाद इंपॉर्टेंट वन। जी डार्लिंग। अरे डार्लिंग, तुमने कहा और हम आ गए फौरन, फटाफट क्यों नहीं भाई?